ना का अर्थ ना। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर, मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट, अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है। मैं 10,000 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिलूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10,000 वर्षों तक बैठ सकते हो तो मैं भी 20,000 वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़े हटी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? तो अब यही निश्चित हुआ, मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। कल्प के बड़े पक्के हैं जी बाबा। वासी की हट देखो अब जोगी बोले, द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। ओ द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। प्रभु, बड़ी दृढ़ निश्चयी है आपकी मैया। राम राम। मिलने दो ना मैया। संकेत को समझो मैया, मैं भी उनसे भेंट के लिए आकुल हूँ। जे बाबा ने तो अति ही कर दी। मैया मान गई। चेष्टा भी मत करना। मैंने क्या किया? मैया को चकमा देना आसान नहीं है, अब क्या करूं मैं? एक ओर मेरी सुरक्षा को तत्पर मैया है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले महादेव। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगो तो क्या तेरी मैया मिलने देगी? और दर्शन ना,
जे तो तुझे गोद में उठाना चाहते हैं लल्ला, हाँ नहीं तो। मैं भी उनकी गोद में जाना चाहता हूँ मैया, अब मान जाओ ना, कृपा कर दो ना महादेव पर, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे नारायण, ममता और सुरक्षा के भाव के सामने कृपा का भाव हार रहा है। मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। मैया अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अपनी हट छोड़ दो ना, नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा? नीलमणि रो क्यों रहा है? पता ना जीजी, कहीं से भूख तो ना लगी? लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेंट के लिए व्याकुल है नारायण। सो जा लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला, प्यारा लल्ला, सो जा लल्ला। क्या होगा? हाँ जे देख, जे देख, जे देख, घोड़ा घोड़ा, सो जा लल्ला। जीजी इसको क्या होगा? वह नीलमणि, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ यशोदा, ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो। लो। क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रमण करा कर लातो। ना ना, बाहर ना। अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रमण करने का? जे लल्ला ने बताओ आपको? हाँ मैंने कही ना बाहर ना घुमाना, पालना उत्सव वाली भूल फिर से ना दोहरा सकती मैं। कौन सी भूल? नंद भैया, लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है। कौन है जे बाबा? अरे जे बहुत हट्टी बाबा हैं, इनकी कहीं ना मानी तो हट थान के द्वार के आगे बैठ गए। लाओ लाओ लाओ। हो सकता है नीलमणि इन्हीं के कारण रो रहा हो। जे क्या कह रहे हो जी? नन्हे बालक ईश्वर स्वरूप होते हैं, इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इन्हें दुखी कर रहे हैं। हो सकता है नीलमणि उन्हीं के दुख से दुखी हो रहा हो। जी कैसे संभव है जीजी? यशोदा, गोकुल का राजकुमार है जे। गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? देखो जी, सोचना भी मत। इन बाबा ने मुझे चुनौती दियो है, मैं इनसे हार ना सकती। अरे जे को चुनौती की बात है क्या यशोदा? तुम्हारे इस हट के कारण क्या संदेश जाएगा गोकुल में? मैं गोप नरेश हूं,
अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और जय बाबा भी राक्षस निकले तो इतनी शीघ्र भूल गए, क्या हुआ था हमारे लल्ला के साथ? क्षण भर के लिए देखो बाबा को, पर मन को एक अलग सी शांति का अनुभव हो रहा है। अवश्य ही कोई सिद्ध बाबा है जी। देखो कैसे राम नाम का जप कर रहे, कोई राक्षस ऐसा करेगा भला? बस निर्णय हो गया, अब इस विषय में कोई बात ना होगी। अरे यशोदा, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्य हो। अच्छा सुनो, यदि उनके आशीर्वाद से नीलमणि चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में, ठीक है? चुप लल्ला। बाबा आइए। मणि को गोद में भर के
भाव अनंत जो उमड़े मन में, नैनों से अश्रु बन के छलके। सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी रंग घोले, मुख से भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के छोले, दर्शन करने आए भोले। इतने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने। सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु, और मैं हूं अपने भक्तों का दास। समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं, पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा। जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। तभी तो विष्णु ही शिव है, और शिव ही विष्णु है, और शिव ही विष्णु है, और शिव ही विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णु, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। बाबा, आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो, मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो, उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला। ए, ए। लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। क्षमा करना बाबा, आपको बहुत कष्ट हो। क्षमा का कोई कारण नहीं है, आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी। नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले। सत्य वचन सखा, सत्य वचन। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे इस छोटे से मित्र को माँ की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव से तरसता था। सखा, क्या कर रहे हो? भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप? जैसे एक मां तड़पती है अपने पुत्र के स्नेह के लिए, वैसे ही एक पुत्र भी तरसता है अपनी मां की ममता के लिए। फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा, आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई लो जी। अभी ये
जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, आपके घर पर धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। इनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है। वो है ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। महाराज कंस को सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर का सादर प्रणाम। ये पता लगाने के लिए कि विष्णु का अवतार सच में गोकुल में है या नहीं, मैं इन्हें गोकुल भेज रहा हूं। महाराज कंस, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मित्र सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर को यहां देखकर आपकी रानियों को प्रसन्नता नहीं हुई। ये करेंगे आपके शत्रु का सामना। वृद्ध, दुर्बल, जो ठीक से खड़े हो पाने में भी सक्षम नहीं। सक्षमता चाल में होनी चाहिए या बुद्धि में? अपने पति के मित्र का अपमान अपने ही पति के समक्ष, इसका अर्थ यह है कि आप अपने पति के निर्णय का सम्मान नहीं करती हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि आप अपने पति का ही सम्मान नहीं करती।
वैसे मैं इनके विषय में चिंतित नहीं हूं महाराज। मेरी शंका तो उनके विषय में है। उनमें कुछ तो विचित्र है, रहस्यमय है। आपकी दूसरी रानी सूक्ष्म बुद्धि, ये मत भूलिए, ये आपकी महारानियां हैं। कैसे भूल सकता हूं महाराज, वैसे इसमें इनका कोई दोष है भी नहीं। दोष तो है इस बुझे हुए दीप दंड का। इसके बुझे होने के कारण ही यहां चारों ओर अंधकार है, और इसी अंधकार के कारण इन्हें मेरा सत्य ठीक से दिखाई नहीं दिया। अन्यथा श्रीधर के गुण को ये अवश्य पहचान लेती है ना महारानी। राजसी भोज की मधुर सुगंध। आपके लिए विशेष पकवान बनवाया है श्रीधर। तो चले महाराज, पहले भोजन फिर वचन। देख रहे हो लल्ला, रोहिणी जीजी ने कैसी कला सिखाई है मुझे, देख रहे हो? मेरे लिए कुछ बना रही हो क्या? जो मन में है बोलते हो। लल्ला क्या सोचेगा? ये आपके लिए ना है, मेरे नीलमणि के लिए है। हाँ हाँ लल्ला। अब लल्ला सदैव मेरे साथ रहेगा। जो देखो अब मैं घर के कार्य भी कर पाऊंगी और इसकी उपेक्षा भी ना होगी, है ना लल्ला? अद्भुत मैया, ये हुई ना बात। सूक्ष्म बुद्धि को भोजन अति प्रिय है। आनंद आ गया प्रभु, अब आदेश करें आप। तुम्हें गोकुल जाना है सूक्ष्म बुद्धि। वहां जाके ये पता लगाना है कि नंद के घर में जो बालक है वो सच में विष्णु का ही अवतार है या नहीं। पता क्या लगाना प्रभु, उसके प्राण ही ले लूं। यशोदा, यशोदा बस करो, लल्ला को चक्कर आ जाएंगे। हाँ जी बात तो है। बेकार ही टोक दिया पिताजी, मैया कितनी प्रसन्न थी। यशोदा ये झूला ठीक तो रहेगा ना लल्ला के लिए, सदैव निकट रहने के कारण कहीं लल्ला तुम्हारा आदि ना हो जाए। हाँ तो अच्छा ही तो है, कहीं आपको जलन तो ना हो रही कि लल्ला मेरे अधिक निकट आ जाएगा। ना मुझे जलन ना हो रही, पर क्या? यशोदा मन बना चुकी है, अब झूला झूला के ही मानेगी। बताओ
ओहो, फिर से झगड़ा, कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या, लल्ला को नींद आ रही है। हाँ तो देख क्या रहे हो, सहायता करो इसे सुलाने में। हाँ लाओ। तूने हमारा जीवन बदल दिया है लल्ला। बस अब प्रतिदिन ऐसे ही बीते तेरे साथ, हंसते मुस्कुराते आनंद से। पर कल तो वो अति बुद्धिमान आने वाला है बाबा। हमें आने दो, नंदलाल के दर्शन ही तो करने आए भाई, स्थान दो भाई। हम लोग यहाँ नंदलाल के केवल दर्शन ही तो करने आए क्यों भाई हो? दर्शन भीतर जाने दो, अरे जाने दो हमें। मूर्ख कहीं के, मुझे रोकने चले थे। अरे मेरी बुद्धि से तो लोमड़ी भी शिक्षा लेती है, तभी तो मुझे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। आइए बुद्धिराज, आनंद से करूंगा आपका स्वागत। ये रहा घर, अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो, मार क्यों रोक रहे हो, हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो, अरे जानते भी हो कौन है हम? ना नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है, है? और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे, वो कहा है ना आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जाए? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो, खोलो इसे। है? तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, श्रीधर महाराज है हम। ए, कौन महाराज, कहां महाराज, चलो भागो उधर। अच्छा कौन महाराज, कहां के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारूगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा तुम जानती हो ना? ना किंतु लगतो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं, मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो जाओ चलो। अरे किंतु, अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा, हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं हम। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे, और हाँ ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था। कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। नहीं, यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए, शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान, हम आते आप। महाराज ठीक तो है आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का
अरे हमने कछु नहीं करो। आपको ज्यादा अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। यशोदा मर गए। जो आज्ञा तुम गोकुलवासियों को भी ना दी थी वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें? मर गया। इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए। भीतर आने दो ना। सुधा कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना, अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या आए तो हम फिर कभी आ जाएंगे। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप। भीतर आ जाइए, जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्रता करें। जाओ जाओ जाओ, आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। बोला चाचा सबसे कड़वी औषधि दिलवाना इन्हें। तू प्रभु, हे प्रभु, मर गया। भैया जैसे बैद जी ने औषधि दे देते हैं, आप इनके लिए बैलगाड़ी मंगवा लीजिए। लगता है एक बार फिर से अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महाराज। मुझे तो कोई चोट ना दिखाई दे रही है। अरे भीतर की चोट है, बाहर से कैसे दिखेगी? पर कोई चिन्ह तो होना चाहिए ना। चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा? अरे तुम्हारी विद्या पूर्ण भी हुई है या अभी शिक्षा दीक्षा चल ही रही है? भीतर की चोट का चिन्ह भीतर होगा या बाहर होगा? मुझे देखो, मैं पीड़ा से कराह रहा हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तब तो जब तक पीड़ा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती नित्य जांच करनी पड़ेगी। हाँ यही तो चाहिए था वैद्य जी, रुकने का बहाना। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक रामबाण औषधि है जो चुटकी बजाते ही सारी पीड़ा दूर कर देगी। ये लीजिए, दोपहर को भोजन के बाद इन्हें दे देना। राम राम। राम राम। राम राम। वो बालक कहाँ है जिसके बारे में महाराज कंस ने बताया था? मैं पास ही के अतिथि गृह में इनके रहने को प्रबंध करके आता हूँ। अरे श्रीमान सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना, पास के अतिथि गृह तक कैसे जाएंगे हम? दया करके मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आए अरे बोझ की कोई बात ही ना है महाराज। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे मायके से हूँ इसलिए मुझ पर किसी तरह की विशेष कृपा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही मेरा दर्द कुछ कम होगा, जैसे बन पड़ेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ना बाबा, कहीं जाने की आवश्यकता ना है, आप तो यही विश्राम करो। मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हूँ, औषधि के साथ सुपाच्य होगी। खिचड़ी नहीं यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र के प्राण चाहिए मुझे। यशोदा जब तक तुम खिचड़ी बना रही हो लल्ला को मैं संभाल लेता हूँ, लाओ। पर तुम्हें काम करने में समस्या ना होगी? अरे इसी कारण तो बनाओ ना जी झूला। क्षमा करना बाबा, अगली बार आऊंगा आपके पास। और ढोंगी महाराज आप तो प्रतीक्षा ही करो अभी। इनके बालक तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा है।
किंतु ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर हार मानने वालों में से नहीं है। इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा। क्या कर रही है? अतिथि आए हैं घर पे, उनके लिए खिचड़ी बना रही है तेरी मैया। मैया देखो ढोंगी बाबा। क्या हुआ, तुझे भी खानी है खिचड़ी? है ना, ना दे सकती लल्ला। तेरा अन्न प्राशन ना हुआ है अभी, है ना? अब तो इन्हें सीख देनी ही पड़ेगी। अवश्य मूसक में कुछ गिराओ है। अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला। कल सवेरे सवेरे सबसे पहले बंसी भोला से झाड़ू पोछा लगवाऊंगी। तेरे आसपास एक भी मूसक ना भटकना चाहिए। हाँ नहीं तो। अरे मैया, इस मूषक के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। खिचड़ी तो पक गई लल्ला, महाराज को खिलाए। पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है मैया। बाबा भोला बंसी। अरे जे महाराज कहाँ गए? उन्हें बाहर जाते तो ना देखो भाभी, यहीं कहीं होंगे। तो देखो महाराज, महाराज, महाराज। बोला तुम भीतर देख लो, हम बाहर देख लेते। हाँ महाराज, 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 भाभी। क्या हुआ? जी क्या होगा? जी बाबा यहाँ क्या कर रहे थे? लगता है भाभी मूर्छित हो गए हैं। अरे तू जल छिड़को, बंसी जल लाओ। बाबा छिड़को, पानी छिड़को। महाराज, ओ महाराज, आगे खोलो। गहरी चोट लगी है, इतने से जल से नहीं उठेंगे ये। अरे अच्छे से जल छिड़को। हाँ। उठ गए महाराज। बाबा अब ठीक हो? बाबा जी क्या होगा, गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? इसने? जो भी हो प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। क्या हुआ बाबा, आप भोजन छोड़ रहे हो? आप तो पंडित महाराज हो ना? छोड़ कर रहे हैं, खा तो रहे हैं हम। कैसी लगो खिचड़ी? बहुत अच्छी बिटिया, अद्भुत, अतुलनीय, अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया। आनंद तो अब आएगा। मामा जे लो औषधि, ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना। क्या ये भी खानी होगी? जे जल के साथ खा लो, सुविधा होगी।
भविष्य पुराण मत बाजो महाराज, वर्तमान में ही खानी पड़ेगी। अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा, आया ना आनंद। बाबा अब आप विश्राम करो, संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा, जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा तब आएगा मुझे असली आनंद। परंतु ये होगा कैसे? हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है, कब होगा, कैसे हो पाएगा? जब होगा रात्रि का अंधकार तब करना होगा अचूक प्रहार। तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश। अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अखंड पूजा के प्रसाद के प्रभाव से अखंड निद्रा का लाभ ले रहे हैं ये सब। अब भोर से पहले उन्हें कोई हिला हिला कर भी जगाएगा तो भी उठ नहीं पाएंगे। यदि सभी गहन निद्रा में हैं, तो पालना अपने आप झूल कैसे रहा है? ये प्रकाश कैसा आ रहा है पालने से? Thank you.
नहीं मरी, ऐसे छुपके छुपके आना पड़ा, पर करोगी तो क्या? तेरी मैया मिलने भी ना दी थी, और तुझे देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे। अब कौन आ गया? अरे मेला लगा है क्या? कभी कोई आता है तो कभी कोई। इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा। आज तो मैं आई हूँ तुझे निहारने, पर जब तू बड़ा हो जावेगो ना, तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने। वैसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में? क्यों नहीं, मैं भी कितनी बावली हूँ, तुझसे कह रही हूँ ये, तुझसे ज्यादा मनमोहक कोई हो सकता है भला? देखने में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है, मन कर रहा है कि खा जाओ तुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ, मैं तो तेरी प्यारी सुलक्षणा चाची हूँ ना। अच्छा तुझे मिलने में इतनी रात को आई, तू प्रसन्न तो है ना? मैं तो हूँ, पर कोई और है जो प्रसन्न नहीं है। ये सब की सब मिलकर मेरा मूल्यवान समय नष्ट कर रही हैं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? वही जो आप करने आई हो, लल्ला के दर्शन हो गए ना? अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो नया प्रहरी आ जाए और यशोदा जी को सारी बात बता दे और बात का पतंगड़ बन जाए। चलो। अरे कोई प्रहरी नहीं, ये तो स्वयं चोर है। अच्छा हुआ जो लाठी की आवाज सुनकर चली गई, अन्यथा इसी लाठी से पूजन करता इनका मैं आज। कहीं ये लाठी ही आपका स्वागत ना कर ले ढोंगी महाराज। बड़ा प्रसिद्ध है गोपियों के बीच, तनिक मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुझमें। अरे ये तो जगा हुआ है, और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है ये? अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? शक महाराज आओ दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में
मैया की सहायता करो। ये है चोर। ए, यहाँ कहाँ आ रहा है? चल, 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 हट। भाग, भाग यहाँ से। हट, मूसक। अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए। समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है। हाय राम, हाय राम। लल्ला, तू जाग रहा है? कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसा है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। सुधा, क्या हो गया? मूसक है जी। मूसक कहाँ? जी, इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगो। हाँ लल्ला, चिंता मत ही कर, तो चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि? जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अमंगल ही हो रहा है। पहले केवल गिर पड़ रहा था, अब डंडे भी पड़ने लगे। कुछ बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, जो कुछ यहाँ हो रहा है सामान्य नहीं है। प्रभु, अरे किंतु यहाँ तो सब सामान्य ही लग रहा है। बालक के आसपास न कोई प्रकाश न कोई आभा हो न हो, उस औषधि के प्रभाव से मुझे मति भ्रम हुआ होगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जो कुछ करूंगा कल औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही करूंगा। कितना सोएगो मेरा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा मेरा लल्ला। ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है, किंतु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माँ ज्वाला बन जाती है। महाराज जी, जी नंद जी, लगता है बैद जी की औषधि का प्रभाव ना पड़ा आप पर। हाँ। क्या हुआ, पीड़ा कम ना हुई आपकी? इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। नंद, क्या हुआ भैया, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक ही है।
तनिक हमारे साथ आओ, कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे। आते समय आपके लिए और औषधि ले आऊंगा, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आवश्यकता तो है इन्हें औषधि की, रात को डंडे जो खाए हैं। मुझे भी लल्ला को स्नान कराना है। महाराज आपको कछु आवश्यकता हो तो बता दो। नहीं नहीं बिटिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी ध्यान का समय होता है, हम ध्यान में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। सूर्यदेव की किरणों का आनंद उठा, मैं तेरा उपटन बना के लाती हूँ, किंतु बूढ़े महाराज को तंग ना करना है, ध्यान रखना। ध्यान नहीं, कपट कर रहे हैं मैया, ध्यान तो अब मैं रखूंगा इनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है, मैया सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचो मत मैया, डंडा उठाओ डंडा। बाबा जी आप वहां बैठे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? जय का चल रहा है बिटिया? क्या है, जानबूझकर ये सब थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। शक्ति का प्रभाव? हाँ हाँ, क्या है कि ये ध्यान का उच्च स्तर है। जब साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है। और यही नहीं, एक बार तो ध्यान की अवस्था में हम इतना दूर निकल गए थे जैसे तुम्हारे गोकुल से मथुरा। हाँ हाँ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना झूठ बोलोगे तो मैया सचमुच मथुरा ही पहुंचा देंगी। इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चलो। अभी ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारा लल्ला विशेष है। भैया कौन सच्चे मन से दर्शन करने आया, किसके मन में है छुपाए, कैसे पता चलेगा, कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से। प्रणाम नंदराज। नंदराज जी आपके बालक पर नारायण की कृपा है, बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। प्रहरियों ने मना किया था बार बार जाने के लिए भी, कहो पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंद जी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश, अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है। इनमें से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गई।
भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब मैं तो यही कहूंगा कि सावधान रहो, पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहां पर, इन्हें निराश मत करो। चिंता मत कर नंद, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जाता, मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा, निगरानी करते रहूंगा। हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने दीजिए, हमें।